कैसे हैं। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका अभी तक अपने जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो जो फॉर्मूला पढ़े हैं, वो ऐसे सॉल्यूशन के लिए पढ़े हैं जिनमें सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है। अब उनमें करेक्ट करके अपन डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो देखेंगे, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास देखेंगे और भी कई सारी चीजें देखेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास, ठीक है। एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास, ठीक है। तो व्हेन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी then it is found some different value from true value. This is known as abnormal molecular mass, ठीक है। क्या होता है कि आपका जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप क्या निकालते हो, मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, तो वो जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से क्या आता है, डिफरेंट आता है, ठीक है। तो इसी डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास को अपन क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन से, ठीक है। ड्यूरिंग डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीजेस, हेंस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल होता है, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो आपका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं पर ड्यूरिंग एसोसिएशन number of particle decreases so colligative property also decreases, hence molecular mass of solute increases। एसोसिएशन में मॉलिकुलर मास बढ़ जाता है, डिसोसिएशन में मॉलिकुलर मास कम हो जाता है। डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और एसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एबनॉर्मल मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वॉन्टॉफ फैक्टर। वॉन्टॉफ इक्वेशन अपन अलग पढ़ चुके हैं, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, वॉन्टॉफ फैक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप अलग अलग तरीके से दे सकते हो, ठीक है। देखो
आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो अपन ने अभी तक फॉर्मूले पढ़े वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्यों? डिसोसिएशन और एसोसिएशन का। तो जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है या एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसका कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ जो रेशियो होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर की बात करें, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक द वांट ऑफ फैक्टर, द वांट ऑफ फैक्टर, द वांट ऑफ फैक्टर फॉर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ऐसा रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज वांट ऑफ फैक्टर it is denoted by I। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, observed colligative property, ठीक है, या experimental colligative property अपॉन कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, तो यहां से एक और हो जाएगा, नॉर्मल या कैलकुलेटेड, जो अपन फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक, यहां पर फॉर्मूला रखें तो पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड या डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड या डेल्टा टी बी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड और पी जीरो ए माइनस पी अपॉन पी जीरो ए ऑब्जर्व अपॉन P0A - P upon P0A कैलकुलेटेड। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा MC upon M कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास जो फॉर्मूला से निकाला गया। एक और हो जाएगा I बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन
क्योंकि ऑब्जर्व कोरिलेटिव प्रॉपर्टी टोटल पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। टोटल पार्टिकल क्या होंगे आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, अपॉन कैलकुलेटेड, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अपन जो डिसॉल्व कर रहे हैं पार्टिकल बिफोर बिफोर डिसोसिएशन डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका, वांट ऑफ फैक्टर के। तीन फॉर्मूले हुए, तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जो फाइनलाइज या न्यू फॉर्मूला है किसके लिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के करेक्टेड फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे फॉर्मूला फॉर डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर करेक्शन, करेक्शन के बाद जो फॉर्मूला मिल रहा है डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए वो क्या होंगे, ठीक है। फॉर्मूला फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टीज आफ्टर करेक्शन, ठीक है, करेक्शन के बाद क्या फॉर्मूला होगा, तो पाई ऑब्जर्व बराबर आई पाई कैलकुलेटेड, ठीक है, क्योंकि आई क्या है, पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड, तो पाई ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, आई इंटू पाई कैलकुलेटेड, आई ऐसा ही रहने दो, पाई कैलकुलेट क्या होता है सी आर टी, सी आर टी की वैल्यू रख दो तो आपको पाई कैलकुलेटेड मिल जाए। आई की वैल्यू जो है वो अपन निकालना सीखेंगे, आपको कंपाउंड का फॉर्मूला देख के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिए जाएगी, अगर नहीं दी गई है और वो डिसोसिएट हो रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100 मान लेंगे और आप क्या निकालेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे। मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अलग अलग तरीके से निकालते हैं। उसके बाद डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, आई डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड, ठीक है, डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड क्या हो जाएगा, के एफ एम, ठीक है, एम क्या होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, तो आई के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही डेल्टा टी बी ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, आई डेल्टा टी एफ सॉरी टी बी कैलकुलेटेड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई के बी इंटू एम, ठीक है, एम की वैल्यू रख दो तो आई के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू बी, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपका आ जाएगा पी जीरो ए माइनस पी अपॉन पी जीरो ए, कौन सा ऑब्जर्व, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई टाइम्स ऑफ पी जीरो ए माइनस पी अपॉन पी जीरो ए कैलकुलेटेड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ एक्स बी, ये आपके फॉर्मूला हो जाते हैं नए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आई की वैल्यू आप किससे निकाल सकते हो, कितने पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं और कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं, अगर 100% है तो आई बराबर एम हो जाएगा जितने पार्टिकल वो डिसोसिएट हो रहा है, और एसोसिएशन हो रहा है 100% तो आई बराबर 1/n हो जाएगा, अभी बताएंगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग है आपकी, अगली हेडिंग है आपकी डिग्री डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर की हेल्प से आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है। तो लेट अ सॉल्यूट लेट अ सॉल्यूशन इन विच वन पार्टिकल ऑफ
सॉल्यूट ए एंड डिसोसिएट इनटू एन पार्टिकल एंड हूज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा एंड कंसंट्रेशन इज सी। ठीक है, तो आपका क्या है कि अपन ने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें आपका जो सॉल्यूट का एक पार्टिकल है वो एन पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है, तो ए एन डिसोसिएट हो रहा है किसमें, एन ए में। ठीक है, इसका बिफोर डिसोसिएशन इसका कंसंट्रेशन ले लिया सी, ये कितना है जीरो। आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मतलब अगर एक लेता तो कितना डिसोसिएट होता, अल्फा डिसोसिएट होता। सी दिया है तो कितना डिसोसिएट हो जाएगा, सी अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा, तो बचेगा कितना सी माइनस सी अल्फा। इधर कितना बच जाएगा, एक डिसोसिएट हो रहा है तो एन सी अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो एन सी अल्फा बन जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर की। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। आई बराबर क्या हो जाएगा, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल पार्टिकल क्या है, सी माइनस सी अल्फा प्लस एन सी अल्फा। ठीक है, अपॉन बिफोर डिसोसिएशन कितने थे सी, तो आई बराबर सी कॉमन लेके कट जाएगा, तो वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एक काम करो, माइनस अल्फा कॉमन ले लेंगे तो आई बराबर वन माइनस वन प्लस अल्फा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एन माइनस वन बचेगा। ठीक है, ये आपका आई का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये ना आई का फॉर्मूला हो गया, यानी वांट ऑफ फैक्टर हो गए। आपको अगर एन पता, एन क्या है, जैसे NaCl कितने में टूट रहा है, दो में। ठीक है, K2SO4 है कितने में टूट रहा है, तीन में। H2SO4 है कितने में टूट रहा है, तीन में, तो एन की वैल्यू पता चल जाती है। इफ अल्फा बराबर वन और 100% मतलब पूरा डिसोसिएट हो रहा है, तो यहां पर वन रख दो, आई बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस एन माइनस वन, वन से वन कैंसिल, आई बराबर क्या हो जाएगा एन, अगर पूरा डिसोसिएट होता है तो। ठीक है, मींस सॉल्यूट गेट कंप्लीटली डिसोसिएट ठीक है, तो आई बराबर एन हो गया। अब हमको तो आई नहीं निकालना, हमको अल्फा निकालना है। ठीक है, तो आप एक काम करो, वन को उधर ले जाओ, तो अल्फा इंटू एन माइनस वन बराबर आई माइनस वन, तो अल्फा बराबर आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, आई बराबर क्या होता है, एम सी अपॉन एम ओ, तो अल्फा का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, एम सी अपॉन एम ओ माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो इधर लिख देता हूं, अल्फा बराबर एम सी माइनस एम ओ अपॉन एम ओ एन माइनस वन, ये अल्फा हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। ये किसके टर्म में, आपका कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास के टर्म में हो गया। ठीक है, और ये चीज इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, कई बार आई आप कैसे निकालते हो, आई निकालते हो आपको ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दे देते हैं और पूरा कंसंट्रेशन वगैरह दे देते हैं, तो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो दी है, कंसंट्रेशन से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लो,
कैलकुलेट कर लिया तो आपसे क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, आई मिल गया, उसके बाद आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है जिस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इतना पढ़ने का। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो बिल्कुल अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपन और क्वेश्चनों को कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं अब इसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया, अब अपन बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगली हेडिंग लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम वांट ऑफ फैक्टर की हेल्प से आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, ठीक है। तो अजम्पशन कोई होगा, लेट अ सॉल्यूशन इन विच एन पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन पार्टिकल एंड हूज डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा एंड कंसेंट्रेशन इज सी। हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्यूट के एन पार्टिकल कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक पार्टिकल बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा और कंसेंट्रेशन क्या है, सी है। तो इक्वेशन क्या है, एन ए कंबाइन होकर क्या बना रहा है, ए एन बना रहा है, ठीक है। बिफोर एसोसिएशन कंसेंट्रेशन सी ये जीरो, आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन कितना एसोसिएट हो जाएंगे, आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, अल्फा है, तो इसमें से अगर एक में एक है तो अल्फा एसोसिएट होगा, अगर सी है तो सी में से सी अल्फा एसोसिएट हो जाएंगे। अच्छा, ये एन मिलकर एक बना रहे हैं तो सी अल्फा मिलकर क्या बनाएंगे, सी अल्फा अपॉन एन बनाएंगे, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आई बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाय एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी, तो सी को मन लेकर कट जाएगा, तो आई बराबर आपका आएगा वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, इसमें माइनस अल्फा कॉमन ले लो, तो आई बराबर वन माइनस अल्फा कॉमन लिया, वन माइनस वन अपॉन एन, ये आपको हो गया, ठीक है, ये आई का फॉर्मूला हो गया। इफ अल्फा बराबर वन और ऑल पार्टिकल गेट एसोसिएटेड, अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी हो जाए, 100% हो जाए, तो I बराबर तो जो 1 माइनस ये वन हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एन, तो 1 से 1 कैंसिल, I बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस,
डिसोसिएशन हो रहा है तो आई बराबर एन, और एसोसिएशन हो रहा है तो आई बराबर वन बाय एन, ये आपका वांट ऑफ फैक्टर हो जाता है। ठीक है, आपको क्या निकालना, अल्फा निकालना है, तो इसको उधर निकालना फ्रॉम अबव इक्वेशन। ठीक है, अल्फा इंटू वन माइनस वन बाय एन बराबर वन माइनस आई। अच्छा, डिसोसिएशन होता है तो आई वन से ज्यादा होता है और एसोसिएशन में आई वन से कम होता है। ठीक है, ये याद रखना, फोर डिसोसिएशन आई ग्रेटर देन वन, फोर एसोसिएशन आई लेस देन वन। ठीक है, अच्छा अल्फा चाहिए तो अल्फा बराबर वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें, इधर से हटा देता हूं बेटा, सिंप्लीफाई करें तो आपका हो जाएगा अल्फा बराबर वन माइनस आई अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन। तो अल्फा बराबर एन इंटू वन माइनस आई अपॉन एन माइनस वन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अच्छा आई बराबर क्या होता है, एम सी अपॉन एम ओ, तो उस फॉर्मूले में रख दो तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस एम सी अपॉन एम ओ अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा बराबर एम ओ माइनस एम सी अपॉन एम ओ। ठीक है, वन माइनस वन अपॉन एन। ठीक है, और कर सकते हैं तो अल्फा बराबर एन एम ओ माइनस एम सी अपॉन एम ओ एन माइनस वन। ठीक है, ये आपका अल्फा हो जाता है किसके टर्म में, ऑब्जर्व एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन में ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, कैलकुलेटेड कम होता है। डिसोसिएशन में ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कम होता है और कैलकुलेटेड ज्यादा होता है। इन फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पर आते हैं, क्योंकि एक्चुअल सॉल्यूशन में हमेशा एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है। NaCl दे दिया, KCl दे दिया, तो आपको यही वाले फॉर्मूले लगाने, कौन से, आई वाले। ठीक है, आपका जो जिसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता, जैसे आपका ग्लूकोज और यूरिया, उसमें आपका नॉर्मल फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर खत्म होता है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अपन न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अपन आगे की क्लासेस में कर लेंगे, तो वो आपको और अच्छे से समझ में जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली।